नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। शुरू में बोले गए शब्दों को सुनकर आपको जरूर लगा होगा कि मैं ये भोजपुरी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुद्दा ही भोजपुरी है, भोजपुरी इंडस्ट्री जिसे लोग अक्सर अलग अलग नजरों से देखते हैं, उनके गानों को, उनके एक्टर को, उनके एक्ट्रेस को, यहां तक कि फिल्मों को देखना भी चाहिए, क्योंकि 1000 साल पुराना भोजपुरी भाषा और 25 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। भोजपुरी शब्द सुनते ही या भोजपुरी बोलते ही आसपास के लोग या दूसरे राज्यों में अगर भोजपुरी अगर बोला जाता है तो उन्हें गवार समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजों पे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। वहां की भाषा को मीठा भाषा भी बोला जाता है, लेकिन उन बातों को हम किनारे करते हैं और मेन जो मुद्दा है उस पर सीधे आते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फिल्म आई है जिसका नाम है रोटी, और उस रोटी को नेशनल अवार्ड के लिए भेजा जा रहा है। वैसे तो एक गर्व की बात है, क्योंकि भोजपुरी समाज को एक पिछड़ा समाज कहा जाता है। भोजपुरी कई राज्यों में बोली जाती है, जिनमें से सबसे बड़ा राज्य देश का है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इन राज्यों में आम लोगों की तरह जैसे हिंदी में बातें होती हैं पूरे देश में, वैसे ही भोजपुरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस रोटी फिल्म को बनाने में डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार झा का सबसे बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि इसके निर्देशक धीरेन्द्र कुमार। आपको बता दें कि भोजपुरी अगर कहीं बोली जाती है या उसे सुनता है कोई तो उसे गवार कहता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री से मनोज तिवारी, रवि किशन, मोनालिसा और बीते दिनों बिग बॉस में अक्षरा सिंह पहुंचे थे। रवि किशन को तो आप जानते ही होंगे, रवि किशन बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं, और संसद में भोजपुरी जैसे भाषा, भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने आगे करने की बात कही। यहां तक कि रवि किशन गोरखपुर से सांसद भी हैं। मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी ने भी भोजपुरी से अपने करियर की शुरुआत की, और उन शुरुआती दौर में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन बावजूद इसके आज वो जाने माने एक चेहरा है जिसे देश जानता है। मोनालिसा को तो आप जानते ही हो, टीवी एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में वो जाना माना चेहरा भी हैं, जिन्हें हर लोग जानते हैं। शुरुआत उन्होंने आइटम सॉन्ग से की थी, लेकिन अच्छी फिल्मों में एक मुख्य किरदार के रूप में भी उभर गया। उनके साथ साथ दिनेश लाल यादव, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से पिछली बार चुनाव लड़े थे, और हाल ही दिनों में ये भी देखा गया है कि बिग बॉस में अक्षरा सिंह की भी एंट्री, वो भी भोजपुरी की इंडस्ट्री से आती है, उसी भोजपुरी इंडस्ट्री से आती है जिसे आज नेशनल अवार्ड के लिए भेजा जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट को। धन्यवाद।